हेलो दोस्तों, नमस्ते। ब्लॉग ऑन नेचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको भुट्टे के डिटेल्स जानकारी दूंगी। अब लोग जो गमले में भुट्टे उगाते हैं, ऐसे मेरी तरफ देखिए, मैंने एक ही गमले में बहुत सारे लगा के रखे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है किसी को कि हाँ भुट्टे के फूल कहाँ लगते हैं और फल कहाँ लगते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भुट्टे के जो फूल लगा ना, ऊपर लगाए, ये फूल हो गया, और इसके भुट्टे लगते कितने पत्ते? 1 2 3 4 5 पांच पत्ते के नीचे जाके यहाँ से भुट्टा निकल रहा है। इस पर भी देखिए, फूल ऊपर लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 ये सातवें पत्ते में जाके निकल रहा है। ऐसे ही 5 6 7 पत्ते के ये भी लग रहा है। उसके बगल में जो है, उस पर देखिए, वो भी नीचे जाके लग रहा है। तो ऐसे लगते हैं भुट्टे। भुट्टे ऊपर नहीं लगते, नीचे ही लगते हैं। और आपको वो और एक जानकारी दे रही हूँ, जैसे कि आपको किसी किसी को देखा होगा कि अरे हमारे इस पे तो फूल आ गया, इस पे देखिए फूल आया, लेकिन इसके नीचे भुट्टा नहीं आया। देखेंगे आप, नहीं आया, लेकिन देखिए उसका फूल पहले खिल जाते हैं लेकिन भुट्टे बाद में निकलते हैं। एक इस पे तो मेरा दो लग रहा है, दो, तो एक में हमारा दो आएगा। जो हेल्दी प्लांट होगा उसमें दो से ऐसे तीन भी लग जाते हैं जी। इतना नीचे भुट्टे लगते हैं और ऊपर जाके उसका फूल खिलते हैं। तो आपको यहाँ से ये छोटा छोटा ये लेके ना, उस भुट्टे के जो बाल जैसे निकलते हैं, जैसे ये बाल निकला, तो आपको ऐसे लेना है। देखिए मेरे हाथ पे आया ना, ये यही चीज़ लेके इसी बाल पे ऐसे लगा के देना है। ऐसे आपको पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो इसमें हर भुट्टे में दाना भर जाएंगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके भरोसे में छोड़ेंगे तो थोड़े ही दाना मिलेंगे, इक्का दुक्का, लेकिन ऐसे करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। देखिए मैं इस बार भरपूर भुट्टा उगाया, हर किसी गमले में बीज डाल दिया था, उग गया। देखिए तुलसी के साथ लगे हैं, ये देखिए इसमें सीताफल भी लगी, वो भी लगी। पहले भुट्टा हमने उखाड़ लिया, खा भी लिया, उसको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। तो जैसे जैसे होता जाएगा, आप एक हार्वेस्ट करिए, उसको उखाड़ दीजिए ताकि दूसरे को न्यूट्रीन मिले। इस पर तो हमारा दो लगेंगे एक साथ निकलने वाले। ये देखो छोटा सा है, लेकिन इसमें एरा एक निकल रहा है। ऐसे छोटे छोटे पौधे में भी गमले में आसानी से आप भुट्टे उगा सकते हैं। देखिए मेरा कितने से गमले हैं, इस पर 5 6 भुट्टे लगे। ओ देखिए फूल निकलना शुरू हुआ, अभी उसका नीचे कुछ भी नहीं आया, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अभी इसका कुछ भी नहीं निकला, लेकिन ये दिखा मुझे एक छोटा सा निकल। ऐसे ही पहले निकलते हैं, बाद में वो धीरे धीरे बाल निकलते हैं, उसके बाद मोटा होते जाते हैं। अब 15 से 20 दिन में भुट्टा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, आप हार्वेस्ट कर सकते हो ऐसे भुट्टे निकलने के बाद। ज़्यादा ज़्यादा 20 दिन में मेरा हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। देखिए मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि गमले में हम भुट्टा ऐसे लगा भी सकते हैं, उसको पॉलिनेशन कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा हर छोटे पौधे में भी भुट्टे लग गया, और ऊपर का भी मैं एक दिन दूसरे दिन दिखाऊंगी। ऊपर तो मैं बहुत सारे भुट्टे उगाई हूँ, कल वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक कर दीजिए।